हे एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक फेस स्क्रब, एक फेस मास्क जिसको आप इजीली बना सकते हो अपने किचन में अवेलेबल चीज़ों से। एंड मैं गारंटी देती हूँ कि पहली बार से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन को भी हिट कर देना ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फेस स्क्रब के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर चाहिए आधा चम्मच कॉफ़ी, आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच नींबू का रस। इसको मिक्स करके एक मिनट तक आप अच्छे से रख देना ताकि वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाए। और अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना ताकि कोई डर्ट पार्टिकल्स ना हो, अदरवाइज़ पोर्स ओपन होके वो अंदर जा सकते हैं और जिसकी वजह से आपकी स्किन हार्म हो सकती है। तो अभी आपको 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस को स्क्रब करना है। कॉफ़ी आपके पोर्स को ओपन करके आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करती है एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड एंटी एजिंग बेनिफिट्स। शुगर आपके स्किन को हाइड्रेट करती है। ऑल्सो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि एक अच्छा, बहुत ही अच्छा समझा जाता है एक्सफोलिएशन के लिए। लेमन जो है वो एक, आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, तो वो जितने भी आपके फेस पे जो स्कार्स हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा ग्रेजुअली। तो आपको 2 मिनट तक अपने पूरे फेस को इससे अच्छे से स्क्रब करना है। ये आपके ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा एंड ऑल्सो जो चीक्स एरिया पे हमारे नोज़ के साइड में जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं उनको भी कम करने में हेल्प करेगा। ऑल्सो मैंने इस पेस्ट को 1 मिनट तक इसलिए रखवाया था ताकि जो कॉफ़ी है वो थोड़ी स्टिकी हो जाए शुगर की वजह से और वो मेरे पूरे फेस पे एज अ मास्क अप्लाई हो जाए ताकि स्क्रब करने के बाद जब मेरे पोर्स धीरे धीरे ओपन हो तो जो कॉफ़ी है वो मेरे पोर्स के अंदर जाके अच्छे से डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर पाए। अभी 2 मिनट हो गए हैं एंड मैं अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी एंड अभी आप रिजल्ट देख सकते हो गाइस कि कितना ब्राइटन अप हो गया मेरा फेस। सिर्फ और सिर्फ स्क्रब्स फेस मास्क बाकी है, तो चलिए फेस मास्क स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए ये चीज़ें। तो आपको सबसे पहले चाहिए आधा चम्मच बेसन, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी जिसको आप रोज़ वाटर में पहले ही सोख करके रख लेना, फ्रिज में रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 चम्मच चाहिए आपको कच्चा दूध, ठंडा, कच्चा हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठंडा दूध लेकिन आपको चाहिए। 1 चम्मच चाहिए आपको ग्रीन टी, आप यूज्ड ग्रीन टी बैग्स भी यूज़ कर सकते हो फ्रीज़र में रखा हुआ। एंड उसके बाद आपको चाहिए 1 पिंच दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगी, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो उसकी जगह आप 1 पिंच हल्दी यूज़ कर सकते हो। और जब तक आपके पेस्ट की सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी ना हो जाए तब तक आप उसमें गुलाब जल ऐड कर सकते हो। और फिर सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी होने के बाद आप पूरे फेस पे अप्लाई करो, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट मिलता है गाइस। क्योंकि मैंने अपनी मोस्टली चीज़ों को मैंने फ्रिज में रख दिया था, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, दूध मैंने ठंडा लिया था, ग्रीन टी मैंने फ्रीज़र में रखी हुई मैंने यूज़ की थी, तो बहुत ही कूलिंग इफेक्ट मुझे मिल रहा है एंड समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी आपको अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है, आप चाहो तो लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपके ब्लैक हेड्स हैं नोज़ पे वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे एंड फेस पैक को यूज़ करने के बाद 1-2 दिन के बाद आप देखोगे, इवन इंस्टेंटली भी आपको रियलाइज़ होगा कि जो नोज़ पे जो हमारे सॉरी नोज़ के पास जो चीक्स एरिया पे जो छोटे छोटे दाने होते हैं जो मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं एंड बहुत ही, अगर हम पास से अपनी स्किन को देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है हमारी स्किन, तो उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये मास्क। ऑल्सो ये आपके फेस को ब्राइटन अप भी करेगा। तो अभी आपको पूरे फेस पे नेक एरिया पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है एंड 10 मिनट तक इसको आपको अपने फेस पे रखना है। एंड ऑल्सो डोंट वरी इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, आप इसको विदाउट हेजिटेशन आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी 10 मिनट हो गए हैं गाइज एंड मैं इसे स्क्रब करके अपने फेस मास्क को रिमूव कर रही हूँ पहले, उसके बाद मैं पानी से इसको वॉश करूँगी अच्छे से। Now you can see the results. And मैंने अपनी पूरी वीडियो को शूट किया है नेचुरल लाइट में, तो कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है एंड आप मेरा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जूम करके अपना फेस दिखाया था एंड अभी आप मेरा फेस देख सकते हो। सो येस गाइज, अगर आप भी ये वाली होम रेमेडी यूज़ करो एंड अगर आपको भी इफेक्टिव लगे देन मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना ज़रूर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है निधि_2631 एंड येस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।
मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।